हेलो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आपको व्हाट्सएप पे जो है कोई कॉल करता है, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, तो वहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर मतलब पता ही नहीं चलता कि किसका कॉल आ रहा है। स्क्रीन जो है धुंधला हो जाता है और वहाँ पे पता नहीं चलता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना तभी जाकर कुछ समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन का सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। सेटिंग ऑन कर लेना। सेटिंग ऑन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन ढूंढना है ऐप एंड परमिशन के नाम से या ऐप मैनेजमेंट के नाम से मिल जाएगा आपके फ़ोन में, तो उस पर क्लिक करना है। तो ऐप एंड परमिशन पे क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद में आप सभी को वहाँ पे एक ऐप मैनेजर के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। ऐप मैनेजर पर क्लिक करोगे जैसे वहाँ पर आपके फ़ोन में जितने सारे फ़ोन में जो ऐप इंस्टॉल हो गए वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को ढूंढना है व्हाट्सअप। तो या नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर आप सभी को व्हाट्सअप मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट्सअप अपना ढूंढ लेता हूँ। तो WhatsApp पे जो है क्लिक करना है आप सभी को। तो WhatsApp में मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप WhatsApp पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, ये पेज खुल के आएगा इस पेज में। तो देख सकते हो यहाँ नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करना है। और नोटिफिकेशन यदि यहाँ से आपको अलाउ जो मतलब डिसेबल रहेगा उसको इनेबल कर देना है, ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना। मान लो ये ऑन यहाँ पे डिसेबल है तो इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। किसी का भी कॉल आएगा तो आपके डिस्प्ले पर शो होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में जो समझा हो समझ गए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना